गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मुजाहिर जय गुरु प्राइवेट आईटीआई से। तो जय गुरु प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। और जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो लोग जरूर सब्सक्राइब करें जय गुरु प्राइवेट आईटीआई यूट्यूब चैनल को। तो चलिए, जैसा कि पता ही हम लोग को कि सेफ्टी चैप्टर चल रहा है, तो उससे पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि जैसे घर में हम लोग अपना दैनिक कार्य जो सुबह से लेकर शुरू करते हैं वो क्यों जरूरी है। अगर हम अब लोग घर में दैनिक कार्य में जो अगर व्यस्त ना हो या तो फिर उस काम को ना करें, तो हमारा घर सही ढंग से भी नहीं रहेगा। जैसे एक एग्जांपल, सुबह उठने के बाद आप क्या करते हैं, बिस्तर पे बहुत सारा बिछौना वगैरह रहता है, तो उसको आप क्या करते हैं कि जगह जगह पर उसे सरिया कर सेफ जगह पर या कहीं मतलब अच्छा जगह पर रख देते हैं जहाँ पर उसका स्थान है। ऐसा क्यों करते हैं कि घर को ढंग से रखने के लिए और सही जगह पे सामान को रखते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर तुरंत उसे हम ले सकें। अगर कोई सामान सही ढंग से ना रखा जाए कहीं, तो फिर हमें खोजने में भी बहुत परेशानी होती है। ठीक है, तो उसी तरह याद रखिए, उसी तरह वर्कशॉप में भी अगर हम अपना टूल्स या कोई मशीन या और कुछ भी ऐसा चीज़, अगर हम वर्कशॉप को भी एक मतलब सुव्यवस्थित ढंग से नहीं रखेंगे, तो वो क्या होगा, हमें आगे काम करने में परेशानी आएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम जानेंगे कि 5 S, ठीक है, क्या है ये 5 S, आप लोग देख रहे हैं कि 5 S मतलब ये S जो है मतलब 5। ठीक है, तो मतलब पांच एक ऐसा S है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वर्कशॉप को एक सही ढंग से सुव्यवस्थित रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो 5 S है ये आया कहाँ से, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है। तो इसका उत्पत्ति कहाँ हुआ, इसके सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में जान लेते हैं 5 S का इंट्रोडक्शन में। तो 5 S का परिचय यह है कि 5 S का यूज करने का उद्देश्य भी क्या है, ये हम जानेंगे कि इसका उत्पत्ति मतलब इसका ये आया कहाँ से 5 S, और इसका उद्देश्य क्या है, व्हाट इज पर्पज ऑफ 5 S। ठीक है, इससे हमें फायदा क्या होगा, व्हाट इज एडवांटेज ऑफ 5S, 5S का एडवांटेज क्या हमें मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे हम एक एक करके जानते हैं, 5S आया पहले कहाँ से, ये जापान से आया, कहाँ से, जापान से हम लिए हैं। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं कि 5S इज ए जापानीज मेथोलॉजी। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं 5S इज ए जापानीज मेथोलॉजी, ठीक है, फॉर वर्कप्लेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इट्स जापानीज, इट स्टैंड्स फॉर 5S। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऐसे जानिए कि ये जापान से 5S लिया गया है, जो कि 5S में जापान इसको सबसे पहले उत्पत्ति किया। ठीक है, और 5S के बारे में वो अपना यूज किया। ठीक है, तो हम लोग जापान से ही लिए, तो 5S जापानी नेम क्या क्या है वो हम जानते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला है क्या, सेरी, क्या सेरी, तो इस सेरी आप लोग को नाम से ही पता चल रहा है कि ये जापानीज नेम है। ठीक है, तो इसको हिंदी मतलब इंडियन नेम इसको हम लोग कर दिए, जो कि आसानी हम लोगों को पढ़ने के लिए। ठीक है, मैं फिर से यहाँ पहले समझा दे रहा हूँ कि 5S क्या है। 5S एक ऐसा सुव्यवस्थित ढंग से रखने वाला, वर्कशॉप को सुव्यवस्थित ढंग से रखने वाला मतलब एक क्या है, मेथोडोलॉजी है, एक विधि है। ठीक है, जैसे वर्क जैसे घर को हम लोग के हर सामान को सही जगह पे रखते हैं, उसी तरह वर्कशॉप में भी हम लोगों को हर एक सामान को सही जगह पे रखना, नीट एंड क्लीन करना, ठीक है, उसको फॉलो करना, ये 5S के अंतर्गत आता है। तो 5S आया जापान से, तो जापानीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, 5 नेम्स जापानीज है, और तो इस सेरी जो है ये जापानीज नेम है, इसका इंडियन नेम क्या हो जाएगा, सॉर्ट, क्या हो जाएगा, सॉर्ट। ठीक है, तो सेरी क्या है, जापानीज नेम है। ठीक है, और ये क्या है, सॉर्ट इंडियन नेम है। तो सॉर्ट मींस क्या होता है, छाटना, इसको हिंदी में बोल सकते हैं क्या, छाटना, मतलब जैसे क्या है कि क्लियरली डिस्टिंग्विश नीडेड आइटम फॉर अननीडेड एंड क्या, एलिमिनेट द लेटर, मतलब हम ऐसा मतलब बहुत सारा वस्तु, एक एग्जाम्पल मान लीजिए, राशन खरीद कर लाए, तो राशन खरीद कर लाए तो उसमें जैसे जो जो सामान आपको जहाँ रखनी है वहाँ रखना होगा। ठीक है, या तो फिर और ये तो हुआ रखने का चीज़। ठीक है, कि हम वो सामान खरीद कर लाए जिसका जिसका जो जगह रख दिए, लेकिन यहाँ मैं छाटने का बात कर रहा हूँ। तो एक एग्जांपल कि मान लीजिए उसमें माचिस का डब्बा भी लाए,
ठीक है, तो उसको छाट के हम अलग किए, ठीक है, तो उसको ऐसा जगह पे रखें जहाँ उसको जरूरत है, ठीक है, खाने वाले चीज़ को लाए, खाने वाले चीज़ को ऐसा जगह रखें जहाँ उसको जरूरत है, ठीक है। तो हम मतलब बहुत सारा सामान लाने पर उसको छाट कर क्या किए, छाट कर जो जरूरत का चीज़ ज़्यादा है उसको उसको ऐसा जगह रखें आसानी से मिल जाए, और जो थोड़ा आपको बाद में ज़रूरत हो उसको उस जगह पे रखेंगे जहाँ पे हमें मतलब उसको उस सही जगह पे उसको रख दिया जाए, ठीक है। तो शॉर्ट मीन्स क्या होता है, छाटना, मतलब जैसे वर्कशॉप में बहुत सारा ऐसा सामान होता है जो कि मतलब ज़रूरत का चीज़ होता है, बिना ज़रूरत का भी चीज़ होता है, जो पहले ज़रूरत होता है, जो बाद में ज़रूरत होता है, ठीक है। वर्कशॉप में भी ऐसा बहुत सा आइटम है जो उसे हमें छाटना पड़ता है, उसे सही वर्क प्लेस पर रखना पड़ता है। तो यहाँ सेरी, सेरी जो जापानीज नेम है, तो शॉर्ट इंडियन नेम है, शॉर्ट मीन्स छाटना, मतलब हम उसको छाट रहे हैं सामान को, और जहाँ जहाँ पे रखना है उसको रख देंगे, और जो फालतू चीज़ है, जो अननीडेड है, जो यूजेबल नहीं है, उसको हम स्क्रैप वाला में डाल देंगे, और स्क्रैप वाला जब आएगा मतलब कचरा, स्क्रैप मीन्स क्या, कचरे वाले जगह पे डाल देंगे, और जब कचरा वाला आएगा तो उसे हम बेच देंगे, ठीक है। तो शॉर्ट, शॉर्ट मीन्स हुआ छाटना। अब आते हैं दूसरा, दूसरा क्या है, सेशन। सेशन ये क्या है, ये मेरा जापानीज नेम है, इंडियन नेम क्या हो जाएगा, सेट। क्या हो जाएगा, सेट, ठीक है। सेट मीन्स, अब यहाँ पे ये हमको जानना है कि कीप नीडेड आइटम्स इन द करेक्ट प्लेस टू अलाउ फॉर इजी एंड इमीडिएट रिट्राइव। मतलब हमको सेट ऐसा, मतलब जैसे अगर अभी हम बताएं ना, राशन का एग्जांपल दिए, राशन अगर हम घर में लाए तो हमको सेट करना है कि माचिस का डब्बा यहाँ रखना है, खाने पीने की चीज़ वस्तु यहाँ रखना है, अगर हम कुछ उसमें मान लीजिए हम मार्केटिंग किए थे, कुछ कपड़े लगाए थे, कपड़े की जगह अलग है उसको वहाँ रखे, मतलब हम सेट किए हैं, जिसका जो जगह है उसको सही वर्क प्लेस पे सेट किए हैं, ठीक है। सेशन जापानीज नेम है, इंडियन नेम है सेट, मतलब उसको सेट किए, हर एक वस्तु को सही जगह पे सेट करना, ठीक है। तीसरा है सी सो, ठीक है, ये जापानीज नेम है सीसो, ठीक है। इसका इंडियन नेम क्या हो जाएगा, साइन। क्या हो जाएगा, साइन, मतलब सीसो। सीसो अब यहाँ पर देख लीजिए, सीसा, यहाँ याद रखिए जापानीज नेम सीसो है। सीसो में अगर हम सीसा के सामने खड़ा होते हैं तो क्या होता है, चमकता है, हमारा चेहरा चमकता है, अगर ग्लो करता है अगर, ठीक है, तो वो साइन, साइन भी मतलब क्या होगी, चमकना। तो हमको यहाँ याद रखना है, कीप द वर्क प्लेस नीट एंड क्लीन। क्या करना है, कीप द वर्क प्लेस नीट एंड क्लीन। अगर मान लीजिए वर्कशॉप पे आप काम कर रहे हैं, और वर्कशॉप जगह अगर आपका नीट एंड क्लीन नहीं रहेगा तो आपको मन भी नहीं लगेगा काम करने में, ठीक है। या आप अपने घर पे ही अगर घर को नीट एंड क्लीन नहीं रखिएगा तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, मन संतुष्ट नहीं होगा, ठीक है, अलग फीलिंग आएगा। तो नीट एंड क्लीन रखना भी वर्क प्लेस को बहुत जरूरी है। तो सीसो, सीसो जापानीज नेम है, साइन इंडियन नेम है, ठीक है। तो साइन क्या हो गया, कीप द वर्क प्लेस नीट एंड क्लीन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सिकेट्सु। सिकेट्सु, सिकेट्सु क्या है, जापानीज नेम है, ठीक है, और इसका इंडियन नेम हो जाएगा स्टैंडर्डाइज, मतलब इसका हिंदी हो जाएगा मानकीकरण, ठीक है, मतलब हम उस पर खरा उतरना, मानकीकरण उतरना, ठीक है, मानकीकरण मतलब खरा उतरना, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सेरी एंड सीएसएन सीसो, ये सब तीनों को क्या करना है, मतलब हमें मतलब खरा उतरना है इस पे, किस पे उतरना है, मतलब सेरी पे, और किस पे, सेशन पे, और क्या है, सीसो पे, ये तीनों पे क्या है, खरा उतरना, मतलब हम इस तीनों को मानकीकरण जो है, मतलब मानक जो है, इसको हमको पूरा करना है। तो ये हो गया सिकेट्सु, सिकेट्सु जापानी नेम हो गया स्टैंडर्डाइज, ठीक है। अब आते हैं लास्ट जो हमारा है, सीटसु। क्या है, सीटसु, सीटसु जापानीज नेम है, और इंडियन नेम क्या है, सस्टेन, मतलब याद रखिए मेंटेन एस्टैब्लिश प्रोसीड्यूर, मतलब ये जो तुम्हारा मतलब पूरा प्रोसीड्यूर चल रहा है इसको मेंटेन करना ही क्या है, सस्टेन, मतलब हमको उस पर कायम रहना है, ठीक है, मतलब ये सब को जो है प्रोसीड्यूर है, जो है सेरी, सेशन, सीसो, सिकेट्सु, ये सब सारा जो प्रोसीड्यूर है इसको हमको मेंटेन करना है, इस पर कायम रहना है। तो लास्ट वाला का हो जाएगा सीटसु, सिस्टम में सस्टेन, मतलब कायम रहना पूरे प्रोसीड्यूर पे, ठीक है, मतलब मेंटेन रखना। तो ये हमारा जो था फाइव एस, तो इसका एडवांटेज क्या है,
इसका लाभ क्या है? तो इसका लाभ है कि प्रोडक्शन रेट को बढ़ाना, मतलब प्रोडक्शन दर को बढ़ाना, ठीक है, इंक्रीज प्रोडक्शन हम बोल सकते हैं, इंक्रीज प्रोडक्शन रेट, ठीक है, मतलब प्रोडक्शन रेट को बढ़ाना। फाइव एस का जो मतलब एडवांटेज है, लाभ है, इंक्रीज प्रोडक्शन रेट, मतलब उत्पादन की दर को बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, फाइव एस ये है। ये फॉलो हम करेंगे तो हमारा वर्कशॉप हर तरह से सुव्यवस्थित रहेगा, जिसके कारण हम उत्पादकता की दर को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कुछ दूसरे फुल फॉर्म का। अब आप लोग कुछ हेडलाइंस देख रहे हैं, कलर कोड फॉर वेस्ट रिग्रेशन इन टेबल। जैसे एग्जांपल यहाँ ऐसे समझिए कि जैसे हॉस्पिटल में आप लोग देखे हों कि बहुत सारा दो तीन प्रकार का बिन्स रखा हुआ रहता है, मतलब ए डब्बा, जो कचरे का डब्बा जिसको बोलते हैं, बिन्स मीन्स क्या होता है, कलर कोड फॉर बिन्स वेस्ट मटेरियल। ये बिन्स छोड़ दिया, ठीक है, बिन्स वेस्ट सिग्रेशन इन टेबल, ठीक है, मतलब वेस्ट मटेरियल जो होता है। जैसे पहले हम लोग सब कचरा को एक ही बार डाल देते थे, एक ही कचरा का डब्बा में डाल देते थे, लेकिन अब मॉडर्न जमाने में क्या हो रहा है कि अब मतलब कुछ उसके कचड़े से कुछ बनाया जा रहा है। हत यहाँ तक कि कहीं कहीं विदेशों में तो कि कचड़े से तो रोड बना दे रहा है, ठीक है, तो कचड़े को भी अब वेस्ट नहीं जाने दे रहा, उसका यूज कर लिया जा रहा है। तो जैसे अब क्या है कि कचड़े, पहले आप लोग हॉस्पिटल में देखते होंगे कि एक ही कचरा का डब्बा, उसमें सब कचरा डाल दे रहा है, लेकिन आप हॉस्पिटल में आप देखते होंगे अलग अलग कलर का बिन्स होता है, मतलब कचरे का डब्बा होता है। तो उसी तरह वर्कशॉप में भी हम लोगों को क्या करना चाहिए कि अलग अलग कलर का एक डब्बे रखना चाहिए, कचरा का डब्बा रखना चाहिए, जिसमें हम वेस्ट मटेरियल को उसमें डाल सकते हैं, ठीक है, और उसका आगे यूजफुल कर सकते हैं, कोई कुछ मतलब यूज होने लायक होगा तो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे याद रखिए कि वेस्ट मटेरियल जो वर्कशॉप में हो जाता है तो हम कलर कोड के हिसाब से उस कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। तो जैसे मान के चलिए पेपर अगर वहाँ पर हमारा वेस्ट हो रहा है, तो उसको अगर हमें कचरे के डब्बे में डालना है, तो उसके लिए जो कलर कोड होगा वो होगा ब्लू, मतलब पेपर के लिए क्या हो जाएगा, ब्लू, कचरे के डब्बे में डालेंगे, मतलब हम वेस्ट पेपर को, मतलब बर्बाद जो पेपर हमारा बर्बाद हो चुका है, उस पेपर को कहाँ डालेंगे, जो हमारा कलर कोड होगा ब्लू वाले कचरे के डब्बे में, मतलब ब्लू बीन्स में, ठीक है, याद रखिएगा। अब प्लास्टिक किस में डालेंगे, येलो में, ठीक है, मेटल किस में डालेंगे, रेड में, ग्लास किस में डालेंगे, मतलब ग्लास में शीशा, ग्रीन में, ठीक है, और फूड को किस में डालेंगे, ब्लैक में, और अदर्स जो ये सब वेस्ट मटेरियल से बच जाए, जो अदर मटेरियल हो, ठीक है, उसको हम स्काई ब्लू में डालेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हो सकता है आप लोग के को ये बराबर पूछा जाता है एग्जाम में, पेपर के वेस्ट मटेरियल बीन्स को हम कलर कोड क्या होगा, पेपर के भी मतलब वेस्ट बीन्स, मतलब कचरे के डब्बे जो होता है जिसको पेपर वेस्ट पेपर को डाला जाता है, उसका कलर कोड क्या होता है, तो ब्लू, ये बराबर पूछा जाता है, ठीक है, पेपर के लिए। तो आप लोग को यहाँ से एक नंबर मिल सकता है, और फाइव एज जापानीज नेम जो मैं बताया वहाँ से आप लोग को एक नंबर आएगा। वो पूछा जाता है ज़्यादातर फाइव एज का, मतलब जो मतलब सीरियल है, जैसे शॉर्ट क्या है, फिर उसके बाद सेट, उसके बाद क्या है, साइन, स्टैंडर्डाइज, और उसके बाद फिर क्या है, सस्टेन। ये जो है सीरियल वाइज पूछा जाता है, या तो फिर फाइव एज का एडवांटेज क्या है, मतलब उत्पादन दर की बढ़ा उत्पादन उत्पादकता को बढ़ाना, उत्पादन की दर को बढ़ाना, ठीक है। और इसमें भी एक क्वेश्चन आप लोग रखा हुआ है, हो सकता है पूछ ले कि पेपर वेस्ट मटेरियल को हम किस बिन्स में डालेंगे, किस कचरे के डब्बे में डालेंगे, तो ब्लू कलर वाले डब्बे में डालेंगे, याद रखिएगा, ठीक है, ब्लू मीन्स नीला, ठीक है। तो ये हमारा रहा, ये याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। और मैं अब और कुछ फुल फॉर्म का बात करूंगा।